संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह के बाद एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि क्रिटिक्स के दिल का चैन उड़ जाएगा। अब वो फिल्म बनकर रिलीज हो गई है। वांगा ने दुनिया भर के वहशीपन को अपने फिल्म एनिमल की शक्ल दी। अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह पर खूब हंगामा हुआ था, उसको महिला विरोधी रवैये को कॉल आउट किया गया। इस पर वांगा ऑफेंस ले गए, मीडिया से कहने लगे कि प्यार की यही परिभाषा होती है जहां दो लोग एक दूसरे के साथ हिंसा कर सके। वांगा ने आलोचना के बाद भी अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि पक्का इरादा कर लिया कि ये लोग मेरी इस फिल्म को जहर बता रहे हैं तो इन्हें जहर ही परोसूंगा। इंसान के हर पहलू में सारा विष इकट्ठा करके रणबीर कपूर के किरदार को रचा गया। एनिमल आई है और आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। एनिमल के कुछ ऐसे ही जहरीले और प्रॉब्लमैटिक सीन्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें देखकर जनता सिहर गई। आगे बढ़ने से पहले इतना बता दें कि इस वीडियो में फिल्म के कई सारे स्पॉयलर्स का जिक्र होने वाला है, इसलिए आपने फिल्म नहीं देखी है तो खुद को यहीं रोक दीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, फिल्म देखने के बाद यहाँ पर वापस लौटिएगा। सबसे पहला जो रीज़न है इस फिल्म को कॉल आउट करने का वो ये है कि मर्दानगी को लिंग से जोड़ना। एनिमल किसी भी आदमी की हर इनसिक्योरिटी पर खेलती है, उसी क्रम में आता है आदमी का लिंग। लड़कों में इसे लेकर मजाक उड़ाया जाता है, एक दूसरे को बुली करते हैं। रणबीर कपूर के एनिमल में भी अपनी मर्दानगी को लिंग से जोड़ा है। शरीर के हर अंग की तरह वो भी एक हिस्सा ही है, जिस तरह से उसे दिखाया जा रहा है वो नज़रिया उसे भद्दा या अश्लील बनाता है। सिंपल सी बात है। एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर अमेरिका से इंडिया आता है, नए माहौल ने उसे बेचैन कर दिया है। उसकी शिकायत होती है कि प्राइवेट पार्ट में रैशेस बढ़ने लगते हैं। फिर एक सीन में वो बुरी तरह चोटिल हो जाता है, तब भी ये पॉइंट आउट करके बताया गया कि उसे पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिंग पर कॉमेंट किया गया। रणबीर का कैरेक्टर फिर से सही हो जाता है, ठीक होते ही वो सबसे पहले क्या करता है, सेक्स। ऐसा लग रहा था कि वांगा ने उस किरदार और उसके लिंग में कोई पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है। फिल्म किसी भी पॉइंट पर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश नहीं करती। दूसरा पॉइंट, आई स्लैप यू फर्स्ट आई स्लैप यू हार्ड। रोमांस को लेकर संदीप रेड्डी वांगा का आइडिया आदर्श से बहुत दूर है। उनका मानना है कि प्रेम में पड़े कपल का हक बनता है एक दूसरे के साथ शारीरिक हिंसा करने का। कबीर सिंह की आलोचना के बाद उन्होंने अपने रोमांस के विचित्र आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक सीन में रणबीर और रश्मिका के कैरेक्टर के बीच जमकर बर्तन बजते हैं। रणबीर का कैरेक्टर रणविजय गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें पहले थप्पड़ मारूंगा और बहुत कसकर मारूंगा। इस पर गीतांजलि भी भड़क जाती है। थोड़ी देर चीख चिल्लाहट के बाद गीतांजलि उसे थप्पड़ मारने लग जाती है। वो जवाब में हाथ उठाता है। यहां देखकर लग रहा था कि वांगा ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हों कि देखो मैं महिला किरदारों से भी थप्पड़ पड़वा सकता हूं। अगर यही बात है तो सर उस पूरी बहस का ये पॉइंट ही नहीं था। हिंसा कोई भी करे वो गलत ही है। तीसरी वजह, बॉबी देओल का इंट्रो सीन। बॉबी देओल के हिस्से गिनती के तीन सीन आए हैं। फिल्म पहले फ्रेम से ही साफ कर देती है कि घिनौनेपन और वहशीपन में रणविजय और बॉबी के किरदार में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बॉबी के इंट्रो सीन में हम देखते हैं कि उसकी शादी हो रही है। उसका अपना एक आदमी बुरी खबर लेकर आता है। वो चाकू से गोद कर उसके शरीर में मौजूद खून का आखिरी कतरा तक बहा डालता है। खून से सने अपने मुंह के साथ अपनी नई दुल्हन का रेप करता है। उसके बाद वो कमरे में अपनी बाकी दो बीवियों को बुलाता है, उनमें से एक के साथ फिजिकल अब्यूज करने की कोशिश करता है। बहुत सारे आदमियों के लिए कहा जाता है कि मेन लिव विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बहुत सारे आदमी बिना परिणाम की परवाह किए जीते हैं। उसका नुकसान है कि आप सामने वाले को अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रीट करते हैं। एनिमल ऐसे ही आदमियों से भरी हुई है। अगर आपने एनिमल नहीं देखी है तो देख कर आइए, उसके बाद बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर देख ली है तो आप बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।